हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम IS रिस्क एंड कंट्रोल पढ़े थे, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो रिस्क बढ़ेगा तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, सिंपल। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, रिस्क को किस तरीके से मेजर करेंगे, कैसे रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस पढ़ा। और रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे और रिस्क को कैसे असेस करेंगे, इस बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा। अब हमारी स्टडी बताती है, अगला जो टॉपिक जो है हमारा स्टडी का वो है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन IS रिस्क एंड कंट्रोल। यानी कि IS रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में उसने लंबी चौड़ी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, IS रिस्क और कंट्रोल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने अच्छे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे हमें, और कंट्रोल्स लगाया जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ मैनेजमेंट का एक्सेप्टेबल लेवल है। मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कमेटी डिसाइड करती है, इतना रिस्क ठीक है, इतना रिस्क कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पर्टिकुलर रिस्क है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन, एक आपका कॉन्ट्रैक्टर एक जमीन लेता है, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा लेता है और वो देखता है जमीन में कुछ नहीं है, मिट्टी है। अगर कोई मिट्टी उठा भी ले जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी उसने कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर रहा है, मालूम पड़ा दो साल बाद 3 साल बाद वो उस जमीन का कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा और जमीन लेके उसने डाल दी है और उसमें उसने बैरिकेटिंग भी नहीं लगाई है, पैरामीट्रिक फेंसेस भी नहीं लगाई है। उसने कहा कि उसकी क्या ज़रूरत है, कोई ले जाएगा तो ले जाएगा, इसमें से मिट्टी तो ले जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं ना, इसके अंदर एक कदम भी आदमी ना घुसे, ये मिट्टी ना ले जाए, कुछ भी ना ले जाए, पूरी पैरामीट्रिक फेंसेस लगा दो और सब कुछ लगा दो और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जो है यहाँ इसके अंदर कोई ट्रेसपास बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल। तो वहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और कंट्रोल्स अगर लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो यानी कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या रिस्क होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है डेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों पैदा हुआ, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट हो गया और डेटा के पीछे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। डेटा के पीछे था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटिंग फैसिलिटी में रखा जाता था, कंप्यूटिंग सिस्टम में रखा जाता था, लैपटॉप्स या सर्वर्स में रखा जाता था, वहाँ पर कंप्यूटिंग होती थी, वो इंपॉर्टेंट हो गए। फिर IS फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो गई, तो पूरी एक वैल्यू चेन बन गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और क्यों हुई, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में हम काफ़ी पहले सेशंस में काफ़ी बात कर चुके हैं। अब डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो डेटा में रिस्क आया, तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक नई ब्रांच पैदा हो गई। ऑडिटर तो हुआ करते थे, उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। बोला गया कि भाई साहब डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, उनकी कॉस्ट कम होती चली जा रही है। एक टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर ही था दुनिया में, आज की डेट में एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर किसी कंट्री में होगा तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगी। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमी होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा 3% या 4% होना चाहिए इकोनॉमी का, टोटल इकोनॉमी का जब 3-4% या 2% एग्रीकल्चर फार्मर्स होंगे तो ही इकोनॉमी जो होगी वो पावरफुल होगी, वो डेवलप्ड नेशन में आएगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता था, आज से 50 साल पहले, आज की डेट में सर्विस सेक्टर का कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर एक कंट्री है जिसमें 70% या एटलीस्ट 70% इकोनॉमी या 75% इकोनॉमी आपकी सर्विस सेक्टर की, तब वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री के रेंज में आती है, या डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री, अच्छी कंट्री तब भी मानी जाती है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई और ऑटोमेशन होता चला गया, और ऑटोमेशन में नीचे के जितने भी जॉब्स थे वो अनइम्पॉर्टेंट होते चले गए और डेटा इंपॉर्टेंट होता चला गया, क्योंकि डेटा से ही अब हम कंट्रोल कर रहे थे सारी चीज़ को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बोर्डरूम में बैठकर क्या करता है, बातचीत ही तो करता है, डेटा पर ही तो खेलता है, डेटा पर ही डिसीजंस लेता है। तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेटा पर डिसीजन लेता है, तो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं और हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में रिलेशनशिप समझना है इस टॉपिक में। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि
रिस्क और कंट्रोल्स, जो आईएएस रिस्क और कंट्रोल्स के बीच में रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए। और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर डिफरेंट टाइप के रिस्क आइडेंटिफाई करने की उसको कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स के बारे में उसे पता होना चाहिए ताकि वो रिस्क को मिटिगेट कर सके। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, रिस्क मिटिगेशन और रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट। रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट मतलब रिस्क खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, और रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क कम हो जाए। जब हम रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर किसी चीज़ को जीरो करना है तो मैनेज करने की क्या जरूरत है? किसी भी चीज़ को, रिस्क को अगर जीरो करना है तो मैनेज करने की, मैनेजमेंट तो तब आता है जब एक ऑप्टिमम लेवल हमें क्रिएट करना है। तो रिस्क हमें एक ऑप्टिमम लेवल में ले जाना है, और कौन सा वो ऑप्टिमम लेवल होगा? वो लेवल होगा जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इतना रिस्क ओके है, इतना रिस्क चलेगा। तो जब मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है इतना रिस्क चलेगा, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कहते हैं उसे, एक्सेप्ट टेक्निकल वर्ड है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क जैसे ही डिसाइड करेगा तो रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा, रिस्क को एक्सटिंग्विश नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिस्क को एक्सटिंग्विश करना इम्पॉसिबल है। अगर आप कहो कि फायर हो ही ना बिल्कुल 100%, फायर से कोई डैमेज ही ना हो, फायर ही ना हो, तो आपको सिस्टम ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पर फायर मतलब पूरा जो सिस्टम ही, टेबल कुर्सी भी आपको जो बनाने पड़ेंगे वो लोहे के बनाने पड़ेंगे, ऐसे मटेरियल के बनाने पड़ेंगे जिसमें फायर ही ना हो। तो फायर का थ्रेड जीरो करने के लिए, या अगर मान लिया सपोज कहीं पर फ्लड ना आए, फ्लड तो चलो ठीक है, लेकिन अगर अर्थक्वेक ना आए, अर्थ है तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, अर्थक्वेक को जीरो करने की का, अर्थक्वेक से डैमेज जीरो हो वो पॉसिबल नहीं है। कभी अर्थक्वेक इतना तेज अर्थक्वेक आ गया, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकती है, तो आप वहाँ रिस्क जीरो करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोलता है रिचर स्केल में 8 तक ये बिल्डिंग, 8 या 9 तक ये बिल्डिंग झटका सहले, ऐसा होना चाहिए। तो रिचर स्केल बिल्डिंग ऐसी बनाई जाएगी कि 9 स्केल का भूकंप आए तो कोई फर्क ना पड़े। लेकिन आप कहोगे ये ना हो, बिल्कुल ही ना हो, तो आप उसको रिचर स्केल में ऊपर करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब हाईली कॉस्टली बिल्डिंग हो जाएगी। तो मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहता है और कई रिस्क जो है उसको वो अनदेखा कर देता है। अनदेखा क्या, रिस्क असेसमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट करने के बाद वो ये कहता है कि ये रिस्क वर्थवाइल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क में वो डिफाइन कर देता है क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। और हमें क्या है, रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना है, और ऑडिटर के रूप में ऑडिट करना है तो सबसे पहले हमें पूछना है कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, और एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क पर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क सही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर वायरसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर हैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लोग आकर चोरी कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क को हम क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। मैनेजमेंट जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थिंकिंग को क्वेश्चन करेंगे आईएएस ऑडिटर की तरह, तो आप कहेंगे ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, ये ऑप्टिमम रिस्क ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आया ये एक्सेप्टेबल लेवल। तो बेसिकली एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क ऑप्टिमम रिस्क होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए, और कई बार हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में देखकर उसे डिसाइड करते हैं। कई बार गुडविल के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि गुडविल नहीं जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक है, उसमें एक भी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पैसा एटीएम से निकाले तो एक एंट्री भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एंट्री गलत होगी तो उस बैंक की बदनामी होगी। तो वहाँ पर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, और अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होगा। तो पहला टर्म जो है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, और दूसरा है रिस्क मिटिगेशन और रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट नहीं करते, रिस्क मिटिगेशन करते हैं, रिस्क को एक कम करते हैं। मिटिगेट मतलब एक लेवल से कम करना, मिटिगेट करना, किसी चीज़ को मिटिगेट करना, कम करना। एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म कर देना। रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट की कहीं पर बात नहीं होगी, यहाँ पर जहाँ पर भी बात होगी रिस्क मिटिगेशन की बात होगी। रिस्क को एक लेवल तक ख़त्म करना है और एक्सेप्टेबल लेवल मैंने तक रिस्क को ले जाना है, और उसी तरीके से कंट्रोल लगाए जाएंगे। कंट्रोल लगा कर उस एक्सेप्टेबल लेवल तक हम रिस्क को ले आएंगे, और कैसे ले आएंगे, रिस्क मिटिगेशन करके। यही हमारी स्टडी कहती है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि रिस्क
जो आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम को थ्रेटन करते हैं, जो भी रिस्क हैं, जो आईएएस सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब वे जो डेटा हमारा वैल्यूएबल है, उसके पीछे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, और उसके पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, वो किस में रहे? हार्डवेयर में, हार्डवेयर रहा फैसिलिटी में, और ये सारा इन्वायरमेंट क्या हो गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट को जो भी रिस्क थ्रेटन करते हैं, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। ये हमारी स्टडी क्लियर कर देती, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकते, लेकिन अप्रोप्रिएट डिसीजन और एक्शन से आप एस सिक्योरिटी इनिशिएटिव ड्राइव कर सकते हो और उससे उसे मिटिगेट कर सकते हो। यानी रिस्क मिटिगेशन हो सकता है, रिस्क एस्टिंग्विशमेंट नहीं हो सकता। हमारी स्टडी सीधी सी सादी बात कहती है। तो आप कहीं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप बनने जाओगे तो आपको कोई कहेगा रिस्क जीरो हो जाएगा, तो आप कहीं आप उन्हें बताओगे कि रिस्क जीरो होने की बात नहीं है, रिस्क जीरो होने में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। हमारा काम रिस्क जीरो करना नहीं है, रिस्क मिटिगेट करना है। मैनेजमेंट आप बताएगा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है, वो हमें बताएंगे। ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, हम ऑडिट करेंगे कि कंट्रोल्स उस लेवल तक रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमारा काम तो केवल ओपिनियन देना है, हमारा काम ये देखना है कि रिस्क एस्टिंग्विशमेंट का काम हमें नहीं देखना है, रिस्क मिटिगेशन देखना है। यही हमारी स्टडी बता रही है। दूसरी चीज़ हमारी स्टडी बताती है कि सिक्योरिटी मेजर्स जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए जाएंगे। मतलब ERM होती है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं उसे, रिस्क मैनेजमेंट या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो उस ERM के लिए, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और ये काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर तो केवल देखता है, चाय पीता है और ओपिनियन देता है, बस और कुछ नहीं करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करता है, और उसके बाद क्या है, कंट्रोल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा? यही चीज़ जाके देखनी पड़ेगी कि कंट्रोल्स हैं कि नहीं, एडिकेट और अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, जो कि रिस्क को, आईएएस रिस्क को मिटिगेट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, या कोई नया रिस्क दिख रहा है, न्यू या अनकंट्रोल्ड रिस्क दिख रहा है, तो ऑडिटर का काम है वो इन वीकनेसेस को मैनेजमेंट को, जो ऑडिटी मैनेजमेंट है, उसे बताए। तो आईएएस ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा इन प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को, और क्या है, कंट्रोल्स को रिव्यू करेगा और हाईलाइट करेगा। तो इसके अलावा हमारी स्टडी आगे ये कहती है कि जो आईएएस थ्रेट्स होते हैं, हमने पढ़ा था चार चीज़ें होती हैं, एसेट्स होता है, एसेट्स पर थ्रेट्स होती हैं, उसमें वनरेबिलिटी होती है, और फिर इम्पैक्ट होता है। तो वो आईएएस थ्रेट्स की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रेट्स की बात करते हैं। आप थ्रेट्स किस पर होंगी? एसेट पर होंगी, आईएएस एसेट। आईएएस एसेट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है डेटा, और डेटा के पीछे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके पीछे हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के पीछे क्या है, पूरी फैसिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है, आईएएस थ्रेट्स जो हैं वो क्यों मेटरलाइज होते हैं? वो इसलिए मेटरलाइज होते हैं कि कंट्रोल्स पुअर होते हैं, पुअर कंट्रोल्स या एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स की वजह से थ्रेट्स मेटरलाइज होते हैं। और हम थ्रेट्स को ही मेटरलाइज नहीं होने देना है, क्योंकि थ्रेट्स वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई आदमी बोलता है, धमकी देता है, मैं आपका घर जला दूंगा, तो वो जलाना थ्रेट है, लेकिन मेरा घर किसका बना है ये चीज़ है। मेरा घर लकड़ी का बना है, सीमेंट का बना है, या मिक्स चीज़ों का बना है, या फिर स्टील का बना हुआ है। अगर स्टील का बना हुआ है तो वनरेबिलिटी है ही नहीं, अगर सीमेंट और लकड़ी का बना हुआ है तो वनरेबिलिटी है, लेकिन उतनी वनरेबिलिटी नहीं है। लेकिन प्योर लकड़ी के घर बने तो मैसिव वनरेबिलिटी है। थ्रेट फायर है, तो थ्रेट को ही पैदा नहीं होने देना है, थ्रेट ही तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगी। जब थ्रेट ही पैदा नहीं होने देंगे तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पाएगी, वनरेबिलिटी तो बाद में आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रेट। तो आईएएस थ्रेट को मेटलाइज करने से पहले आप क्या करेंगे कि कंट्रोल्स, पुअर कंट्रोल्स को फाइंड आउट करेंगे, या ऐसी जगह क्रिटिकल सिस्टम्स देखेंगे जहाँ पर कंट्रोल्स नहीं है, या तो नहीं है, या कम कंट्रोल्स हैं, या पुअर कंट्रोल्स हैं। तो थ्रेट हो गई तो अगर सिस्टम में थ्रेट है, या सिस्टम के किसी कंपोनेंट में थ्रेट है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो जाता है। और वो लॉस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि थ्रेट वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर देती है। तो ऑब्जेक्टिव आईएएस कंट्रोल्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? थ्रेट्स को प्रिवेंट करना, वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें। और वनरेबिलिटीज़ किसकी? एसेट की है, सेफगार्ड की। अगर एसेट पर कोई सेफगार्ड लगा हुआ है तो या तो एसेट में वनरेबिलिटी ना हो, या सेफगार्ड में वनरेबिलिटी ना हो। यानी कि आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, तो या तो घर स्टील का हो, या पैरामीट्रिक फेंसेज लगे हों और गार्ड खड़े हों, और गार्ड अगर खड़े हैं, हमने सेफगार्ड्स पैदा किए, सेफगार्ड्स वनरेबल ना हो, मतलब वो सो गए मालूम पड़ा।
राउंड द क्लॉक गार्ड्स नहीं है, तो वहाँ पर वनरेबिलिटी क्रिएट कर दी हमने। रात को गार्ड्स होते ही नहीं है मालूम पड़ा, तो वहाँ पर वनरेबिलिटी क्रिएट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्निकल टर्म्स में हमारी स्टडी बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में ये बात कर रही है, और हम उसको पढ़ेंगे तो वो नीरस ही लगेगी, लेकिन बेसिकली हमारी स्टडी यही कहती है, हमारी स्टडी ये कहती है कि आईएस थ्रेट्स जो होते हैं वो वनरेबिलिटी के बिना कुछ नहीं होते हैं। या तो थ्रेट्स में कंट्रोल लगा दो या वनरेबिलिटी को, थ्रेट्स में कंट्रोल्स लगा दोगे तो थ्रेट ही पैदा नहीं होगी, तो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी, या फिर थ्रेट्स है तो वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना कर पाए, वनरेबिलिटी ना रहे सिस्टम में, कमजोरी ना रहे सिस्टम में, वीकनेसेस ना रहे सिस्टम में, उसको हटा दो। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर कोई थ्रेट है, थ्रेट हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो कंट्रोल्स होने चाहिए, और कंट्रोल्स टाइमली होने चाहिए, और टाइमली डिटेक्ट होने चाहिए, और करेक्टिव एक्शन ट्रिगर हो आउट होनी चाहिए, यानी फटाफट डिटेक्शन होना चाहिए। अगर मान लिया आपके घर है उसके चारों तरफ आग लगने का अंदेशा है, तो इस तरह के टीवी कैमरास हो सकते हैं जो मूवमेंट, आदमी के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर पैरामीटर फेंस लगी हुई और उसमें कोई आदमी अंदर आया तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो आदमी वायलेट कर रहा है फेंसिंग को, जैसा कि हमारे बॉर्डर में लगे हुए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में आजकल क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी लगी हुई है, तो उसके अंदर कोई आदमी आता है तो पता चल जाता है। तो वनरेबिलिटीज़ कम होती जा रही है, वहाँ पर थ्रेट खड़ी है, थ्रेट बॉर्डर के पार खड़ी है, लेकिन सिस्टम जो है कंट्रोल्स लगा दिए हैं, और वो कंट्रोल्स वनरेबिलिटी को, वनरेबल कम है, वीकनेसेस कम है, जिससे कि लोग वहाँ के पार नहीं आ पा रहे। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टाइमली डिटेक्शन होना पड़ेगा और करेक्टिव कंट्रोल्स ट्रिगर करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए सपोज थ्रेट आई, तो थ्रेट जो है उसका कंट्रोल करने के लिए उसे टाइमली डिटेक्शन हो, फटाफट डिटेक्शन हो और करेक्टिव एक्शंस लगा दिए जाएं। अगर हम थ्रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इम्पैक्ट आएगा, एसेट में हार्म हो जाएगा, एसेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। एसेट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट है, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन है या डेटा है, तो डेटा में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या कुछ और चीज़ हो सकता है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में जो बाकी एसेट हैं, इंफॉर्मेशन फैसिलिटी है, उसमें क्या कहते हैं पावर ख़त्म हो सकती है, या एसी डाउन हो सकता है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इम्पैक्ट आएगा, और इम्पैक्ट को हम जो लॉस आया, जो पोटेंशियल लॉस है, उसको एक्सपोजर कहते हैं। मतलब एक तो लॉस हो गया और एक लॉस होने वाला है, पोटेंशियल लॉस को हम एक्सपोजर कहते हैं। तो जब रिस्क की बात आएगी तो एक्सपोजर की बात आएगी। एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, एक्सपोजर का मतलब पोटेंशियल लॉस, जो लॉस हो सकता था फ्यूचर में, वो पोटेंशियल लॉस मटेरियलाइज होते ही वो इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, यानी कि एक्सपोजर कब होता है, एक्सपोजर जब वो इम्पैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इंपैक्ट कब हो जाता है, जब लॉस हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सपोजर और इंपैक्ट में, कितने का इंपैक्ट हुआ यार बोलते हैं। एक्सपोजर क्या है, दो चीज़ें, एक्सपोजर पोटेंशियल है, यानी कि ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे। कई जगह एक्सपोजर यूज़ किया होगा, कई जगह इंपैक्ट यूज़ किया होगा। एक्सपोजर का मतलब क्या है, एक्सपोजर का मतलब ये है कि एक्सपोजर फ्यूचर में है, एक्सपोजर एस्टिमेशन है, इंपैक्ट वो एक्सपोजर कन्वर्ट हो गया है, वो लॉस कन्वर्ट वो हो चुका है लॉस। अगर आग लग रही है तो कितने का एक्सपोजर होगा, आपने कहा 10 लाख रुपए का माल है, और आपने कहा कि जी थ्रेट क्या है, थ्रेट आग की थ्रेट 0.5% है, 50% है, तो 5 लाख रुपया का एक्सपोजर हो सकता है, बच भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। आपने कहा जी मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, इन्फ्लेमेबल वुडन मटेरियल किया है, तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया 1.5 फैक्टर से, उसको बढ़ा दिया, अप कर दिया, तो 7.5 लाख रुपया आया है। तो एक्सपोजर की वैल्यू 7.5 लाख रुपया हो गई, एस्टिमेशन की वैल्यू 7.5 लाख रुपये हुई, लेकिन आग लग गई, आग लगने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा चीज़ जल गई, 10 लाख रुपये का इम्पैक्ट आ गया, या थोड़ा सा जला, 2 लाख रुपये लगा के आपको नया दरवाज़ा बनाना पड़ा, उस जगह कई दरवाजे हैं, कई वुडन के कई इन्फ्लेमेबल मटेरियल हैं, तो 2.5 लाख का वुड जल गया, तो इम्पैक्ट 2.5 लाख का आया। एक्सपोजर एस्टिमेशन है, तो यानी कि
एक्सपोजर हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद रिस्क असेसमेंट बेसिकली हमारी स्टडी कहती है, वो रिस्क को आइडेंटिफाई करती है और उनको कंबाइन करती है और ओवरव्यू ऑल व्यू ऑफ रिस्क देती है, यानी टोटल रिस्क को ओवरऑल व्यू ऑफ रिस्क देती है। जब हम मैनेजमेंट के पास बैठते हैं तो हम बोलते हैं, तो अगर हम कोई रिपोर्ट दे रहे होंगे तो ओवरऑल व्यू देखेगा मैनेजमेंट, ओवरऑल व्यू देखेगा, हम जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं ओवरऑल रिपोर्ट दे रहे होंगे। तो रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज होगी और उससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई होगी और उसके बाद एक्सेप्टेबल रिस्क क्रिएट होगा और रेजिडुअल रिस्क क्रिएट होगा, कि रेजिडुअल रिस्क क्या है, एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है। तो एक्सेप्टेबल रिस्क कौन सा है, एक्सेप्टेबल रिस्क वो है कि एक्सेप्टेबल रिस्क वो रिस्क है जहां पर तक आपको रिस्क लेकर आना है। मैनेज एक्सेप्टेबल रिस्क में क्या होता है कि मैनेजमेंट ये रिकॉग्नाइज करता है, मैनेजमेंट को ये कि सारे रिस्क आइडेंटिफाई किए गए, मतलब उसको सबसे पहले सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर लेने पड़ते हैं। सारे रिस्क एक बार उसने आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर ये देखना पड़ता है कि कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं, सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई हुए कि नहीं, हो गए कि नहीं हो गए, कुछ रिस्क बचे तो नहीं हैं। फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है किस रिस्क को हमें कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो एक लिस्ट ऑफ रिस्क हमारे पास हो जाती है और उसका एक्सेप्टेंस लेवल हो जाता है कि ये रिस्क है और इसका ये एक्सेप्टेंस लेवल है। अगर 10 साल में एक बार आग लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, या 20 साल में एक बार आग लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक एक्सेप्टेंस लेवल बन गया। अगर मान लिया सपोज जैसे 50 साल में एक बार सुनामी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर फुजीकामा का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो 50 साल या 100 साल में सुनामी आए, कितने साल में आ जाए, वो कोई सुनामी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन कहीं नॉर्मल एग्जाम नॉर्मल आपका नॉर्मल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो देखता है सुनामी का कोई रिस्क मायने नहीं रखता, ये एक्सेप्टेबल रिस्क है, सुनामी के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, वो इग्नोर कर देता है सुनामी को, क्योंकि वो ये देखता है कि कुछ रिस्क होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इग्नोर करने पड़ते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल पर नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसका कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनामी है और ये है, और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसे करना पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं होगी क्योंकि वो पूरी कंट्री के बड़े पोर्शन को डैमेज कर सकता है, तो कंट्री को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेबल रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क एक्सेप्टेबल रिस्क जो है वो ऐसा रिस्क है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को लेकर आएगा, मतलब मिनिमम रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्टेबल है। इसके बाद होता है रेजिडुअल रिस्क, रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होता है, या ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इसको मुझे कंट्रोल नहीं करना है, जैसे सुनामी वगैरह है उसके रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन कहता है जी मेरे को इसको कंट्रोल नहीं करना है, मतलब जिसको कंट्रोल नहीं करना है या जो एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे है वो रेजिडुअल रिस्क हो गया। तो सुनामी जो है ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि इसको कंट्रोल नहीं करना हमें, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर मान लीजिए सपोज इराक़ है, वहाँ पर क्या हो जाए कल कोई भरोसा नहीं, पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा हो जाए, तो पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में वो नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे ये जो है रेजिडुअल रिस्क है, तो ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के बाहर है। तो यानी दो चीज़ें हैं, यानी कि एक्सेप्टेबल रिस्क और रेजिडुअल रिस्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल रिस्क किस केस में क्रिएट कर सकता है, जिसमें उसका कंट्रोल हो, कंट्रोल ही नहीं है तो एक्सेप्टेबल लेवल क्रिएट ही नहीं कर सकता, उसके बारे में सोचता ही नहीं है, उसके बारे में उसको दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है ओके ये रिस्क हैं, वो एक लिस्ट बना देता है कि ये रेजिडुअल रिस्क हैं, इन रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है क्योंकि हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हाँ हमें पता होना चाहिए ये रिस्क हैं, जैसे इस समय ये रिस्क हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ये रिस्क हो सकते हैं, ये रेजिडुअल रिस्क एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं हो सकते हैं क्योंकि रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने के कंट्रोल से बाहर है या ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल करने की नहीं सोच रहा है, तो वो रेजिडुअल रिस्क है। अगर आग है कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि आग लगेगी तो लगेगी कोई दिक्कत नहीं, तो वो रेजिडुअल रिस्क में आ जाएगी। एक्सेप्टेबल रिस्क तभी पैदा होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्क को कंट्रोल करने की सोचता है और लिस्ट बनाता है और वो लिखता है ये एक्सेप्टेबल लेवल है, सबका एक्सेप्टेबल लेवल लिखना पड़ता है और फिर उसे ये पता होना चाहिए ये एक्सेप्टेबल लेवल है और यहाँ पर कंट्रोल्स लग सकते हैं। दो चीज़ें हैं, यानी कॉन्शियसली ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ये लेवल है रिस्क का,
पहला चीज़। और दूसरा चीज़ वो ये डिटरमाइन करता है कि ये जो रिस्क है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक ला सकता हूँ। अगर वो ला ही नहीं सकता है तो एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन कहे ये रिस्क अनएक्सेप्टेबल, इतना लेवल ऑफ रिस्क अनएक्सेप्टेबल है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर और वहाँ पर एम्प्लॉई बोलेंगे कि आप भाई साहब आपको एक्सेप्टेबल हो नहीं एक्सेप्टेबल हो या इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सोचिए मत। तो दो टाइप के रिस्क हुए, एक्सेप्टेबल रिस्क और रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क रिमेनिंग रिस्क होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन या तो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहता या ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें हिम वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आग है, आग डेटा सेंटर को तबाह कर सकती है पूरी तरीके से, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसे रेजिडुअल रिस्क मान कर चलते हैं। वो ये मान कर चलते हैं कि ये इनहेरेंट वनरेबिलिटी है, वो ये कहते हैं कि ये इनहेरेंट वनरेबिलिटी, इनहेरेंट वनरेबिलिटी मतलब है ही है, ये वनरेबिलिटी रहेगी ही रहेगी, इस पर इसका उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये इनहेरेंट रिस्क है, ये रेजिडुअल रिस्क है। तो क्योंकि ऐसा है कि आग का रिस्क जो है टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि लॉस ऑफ फायर का रिस्क मिटिगेट किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसे मिटिगेट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, तो टेक्निकल और कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगे कि स्मोकिंग प्रोहिबिट कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, फायर प्रूफ मटेरियल यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन, अगर आप डेटा सेंटर फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इम्पैक्ट कम करने की कोशिश की जा सकती है कि जगह इम्पैक्ट ऑफ लॉस जो आग लगेगी उसके बाद इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को कम किया जाने की कोशिश की जा सकती है। तो उसमें स्मोक डिटेक्टर लगाए जा सकते हैं, फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए जा सकते हैं, फायर प्रूफ कैबिनेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा कंपनी जो है इंश्योरेंस कर सकती है, डायरेक्ट लॉस ना हो इसलिए इंश्योरेंस कर सकती है, लॉस ऑफ IS एसेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस जो हमने पढ़े थे वो कर सकती है। तो हम अगर मान लिया सपोज रिस्क को ट्रीट कर रहे हैं, तो रिस्क को ट्रीट करने के लिए हम एक तो जो रिस्क मिटिगेशन हो गया, एक रिस्क ट्रांसफ़र भी होता है और एक रिस्क एक्सेप्टेंस भी होता है। मतलब रिस्क ट्रांसफ़र ये हुआ कि आपने एक आउटसोर्स कर दिया रिस्क, तो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क को आपने कम किया, रिस्क एक्सेप्टेंस मतलब उस लेवल पर वो रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ये कर सकते हैं और इसी के हिसाब से रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी और ये डिपेंड करेगी रिस्क एपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन की, यानी सीनियर मैनेजमेंट कितना रिस्क मानता है, कितना वो समझता है, कितना रिस्क वो ले सकता है, जितना रिस्क ले सकता है। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, जो आइडियल अप्रोच तो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करोगे उसके बाद डिसाइड करोगे। लेकिन ये रिस्क एक्सेप्टेंट कई बार क्या होता है, मैं क्योंकि रिस्क जो है वो अनसर्टेन है, वो उसके लिए मैथमेटिक्स जरूर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट नहीं होती है। मतलब रिस्क का साइंस एग्जैक्ट नहीं है, आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से एक लेवल तक कर तो सकते हो, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी टेक्निक से उसको एक मैथमेटिक्स उसकी बना तो सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स इम्प्रिसाइज मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स ही इम्प्रिसाइज मैथमेटिक्स है, वो काम ही प्रोबेबिलिटी पर काम करती है, प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स है वो। तो प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स बहुत सही मैथमेटिक्स सही वो नहीं करती, वो एक आइडिया दे देती है आपको, वो आपको एक ब्रॉड रेंज दे देती है कि अगर मालूम पड़ा जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें एक ब्रॉड रेंज क्रिएट कर देती है कि क्या लॉस होगा। अगर 50,000 ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेगी और वो सही आएगी 50,000 ऑर्गेनाइजेशन में, एक बैंड होगा प्रोबेबिलिटी का कि रिस्क इस लेवल से इस लेवल तक है और उसी लेवल तक रहेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो होते हैं वो आपके मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, अपनी गट फीलिंग से डिसाइड करना पड़ता है, अब इन मैथमेटिकल टूल्स से डिसाइड करना पड़ता है। पहले मैथमेटिकल टूल्स देखोगे, साइंटिफिक तरीके से उसे एनालाइज करोगे, ये टेक्निकल टर्म्स करोगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और फिर उसके बाद उसको डिसाइड करोगे कि ये रिस्क का ये लेवल है और ये रिस्क लेवल जो है अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में मैथमेटिकल टूल्स साइंटिफिक टूल्स से डिसाइड नहीं किया जाता है। साइंटिफिक टूल्स हेल्प करते हैं, केवल जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए वो एक लेवल तक हेल्प करते हैं,
जो हमने अभी कैलकुलेट किया कि एक्सपोजर का मतलब क्या है, कि कितना वैल्यू है, और उसमें हम वनरेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस है, प्रोबेबिलिटी है वो केवल। एक्सपोजर कैलकुलेट कर सकते हैं उसे, इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्सपोजर और इम्पैक्ट इसीलिए अलग होते हैं, एक्सपोजर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट का फ्यूचर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इम्पैक्ट जो होगा सो होगा, जब वो डिजास्टर स्ट्रक कर जाएगा तो इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट 0 रुपये का भी हो सकता है, इम्पैक्ट पूरा भी हो सकता है। एक्सपोजर एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आइडिया दे देता है हमें। तो बेसिकली क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एक एस्टिमेशन प्रोसेस है, और वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स लेकर की जाती, और मैनेजमेंट डिसाइड करता है फाइनली कि भाई क्या एक्सेप्टेबल लेवल होगा। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नो डाउट की जाती है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में भी कई ऐसे फैक्टर्स नहीं देखे जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं। जैसे गुडविल, गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। गुडविल अकाउंट्स में एक तरीका है कि गुडविल कैलकुलेट करने का, कि जब ऑर्गेनाइजेशन बिकेगा या ये होगा तो तब गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन वो आर्बिट्रेरी वैल्यू है, वो जब तक फ्रीज नहीं होती, जब तक इवेंट नहीं हो जाता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन बिक नहीं जाता है, रियल में बिक नहीं जाता है, तब आप अपने बुक्स में गुडविल लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट आप पता कर सकते हो जब डिजास्टर हो गया कि इतने का इम्पैक्ट हुआ, लेकिन एक्सपोजर प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो ये सब एस्टिमेशन है, इसमें टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़ने हैं, हमारी स्टडी टेक्निकल टर्म्स दे रही है, और हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कीवर्ड्स का कि एक्सपोजर क्या है और इम्पैक्ट क्या है, एक्सपोजर और इम्पैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपका रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके अलावा आपका एसेट का मतलब क्या है, थ्रेट्स का मतलब क्या है, वनरेबिलिटी का मतलब क्या है, इम्पैक्ट का मतलब क्या है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि जिस समय आप बात कर रहे हो एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है, रेजिडुअल रिस्क क्या है, जब आप बात कर रहे हो तो अक्रॉस द बोर्ड मीनिंग कन्वे हो रहा है, और फिर आप डिसीजन लेते हो और उसको डॉक्यूमेंट करते हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्रिस्टलाइज करती है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंपनी, वो एक मीनिंग बताती है, वो कहती है कि ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क था, ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क था, तो ये हमने कंट्रोल्स डिसाइड किए, ये एक्सपेक्टेड एक्सपोजर हमने कैलकुलेट किया। तो बेसिकली आप क्या है, डॉक्यूमेंट करते हो, उसे एक आइडिया समझ में आ जाता है, उससे ये पता चल जाता है कि रिस्क कहाँ कहाँ था, कौन सा रिस्क ज़्यादा था, कौन सा रिस्क की रैंकिंग होती है, इसीलिए रिस्क रैंक किया जाता है 1, 2, 3, 4 इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है। प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क की वैल्यू लगाने की कोशिश की है मैथमेटिक्स ने, लेकिन रिस्क की वैल्यू लगाना सही नहीं है। तो आप रिस्क की आर्बिट्रेरी वैल्यू कई बार दे देते हो मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी के टूल्स को यूज़ करके वो आप दे देते हो। तो अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है, इस चीज़ का रिस्क कम है, तो एक ऑडिटर आता है तो उसको रिस्क रैंकिंग देख लेता है, उस प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर देख लेता है, तो उसको पता चल जाता है, एक फील आ जाती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कोई और मैनेजमेंट में कोई नया बंदा आता है, कोई बंदा छोड़ के चले जाता है, तो वो देख लेता है कि हाँ ये रिस्क है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्क है, इस साइंटिफिक मेथड से इन्होंने किए, ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कहा, और ये रेजिडुअल रिस्क बताए, तो उसको इंस्टेंटली पता चल जाता है ये रेजिडुअल रिस्क है और ये रिस्क जो है मुझे छोड़ देने। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आता है, उस डॉक्यूमेंटेशन को देखता है और वो कहता है अच्छा, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये थ्रेट्स दे गए, ये लिस्ट ऑफ थ्रेट्स है कि ये थ्रेट्स है, ये वनरेबिलिटीज़ हैं जो एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं, ये वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है, और ये एक्सपोजर हो सकता है, ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ऑडिटर को समझ में आती हैं, फिर वो ऑडिट कर सकता है, और फिर वो उन्हीं टर्म्स में आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, और उसी भाषा में कम्युनिकेट करके आपको फीडबैक दे सकता है, और फिर दे सकता है कि उन टर्म्स में कंट्रोल सही हैं कि नहीं सही हैं, उन कंट्रोल्स को बढ़ना तो नहीं चाहिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो कंट्रोल असेसमेंट है। तो एक बार आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए, रिस्क रैंकिंग कर दी, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स लगा के आपने एक्सपोजर की वैल्यू कैलकुलेट किया, आपने कहा जी इतनी प्रोबेबिलिटी है फायर के अकरेंस की या कोई भी थ्रेट के अकरेंस की, और वनरेबिलिटी का लेवल ये है और फैक्टर ऑफ वनरेबिलिटी ये है, उसे मल्टीप्लाई वगैरह करके आपने रिस्क असेसमेंट कर दिया और पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया। तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट करोगे और ये देखोगे कौन से नए कंट्रोल्स लगाने हैं, उनको भी डिज़ाइन करोगे और उसमें इंश्योर करोगे कि एक्सेप्टेबल लेवल का रिस्क जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क मिटिगेशन किया जा रहा है, रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट नहीं, रिस्क मिटिगेशन किया जा रहा है, और एक रीजनेबल लेवल एक्सेप्टेबल लेवल, जो एक्सेप्टेबल लेवल कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट कराएगा, रीजनेबल लेवल नहीं, रीजनेबल लेवल अलग चीज़ है,
एक्सेप्टेबल लेवल, एक्सेप्टेबल लेवल एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्टेबल, कौन कहेगा ये एक्सेप्टेबल है? मैनेजमेंट कहेगा, उसके पास अथॉरिटी है. अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल कहने की अथॉरिटी उसके पास है, तो वो एक्सेप्टेबल लेवल उसे डिसाइड करेगा. रीजनेबल लेवल वो होता है जो जनरली आदमी रीजन करता है. कई बार रीजनेबल लेवल एक्सेप्टेबल लेवल नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, और कई बार कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो बेसिकली ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि एक्सेप्टेबल लेवल क्या है और रीजनेबल लेवल क्या है. तो आप जब एक्सेप्टेबल लेवल देखोगे, कंट्रोल्स एक्सेप्टेबल लेवल तक मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए, तो जब आप इवेल्युएट कर रहे हो रिस्क को, तो आप कंट्रोल्स को देखोगे, और ये देखोगे कंट्रोल्स प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है. और दूसरे टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, जैसे मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल्स होते हैं. मैनुअल कंट्रोल्स हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल्स हैं? मैनुअल कंट्रोल होंगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैनुअल कंट्रोल्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल्स जो हैं वो कई बार इम्परफेक्ट कंट्रोल्स होते हैं, उतने परफेक्ट नहीं होते. प्रोग्राम कंट्रोल ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, जब सिस्टम आया ऑटोमेटिकली चल जाते हैं. मैनुअल कंट्रोल के लिए आदमी होना बहुत ज़रूरी है, और आदमी कहीं गायब हो गया तो आदमी रिलायबल नहीं होता. प्रोग्राम कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल बेटर होते हैं. इसके अलावा क्या है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं जो प्रिवेंट करने के लिए लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं, करेक्ट. डिटेक्टिव कंट्रोल ये होते हैं, डिटेक्शन करते हैं ये गड़बड़ हो रही है, और खटाखट लॉग्स बनाकर बताते हैं, रिलेवेंट पर्सन को बताते हैं ताकि वो एक्ट कर सके. तो डिटेक्टिव कंट्रोल में आपको देखना पड़ेगा कि वो लॉग्स या कोई वो इन्फॉर्मेशन ट्रिगर्स आपके पास आते ही एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. ये प्रोसेस है कि नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा ये प्रोसेस है कि नहीं है. तो कंट्रोल असेसमेंट इस तरीके से होगा, आप कंट्रोल्स को डिवाइड करोगे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, मैनुअल या प्रोग्राम्ड, इस तरह से डिसाइड करोगे और फिर डिसाइड करोगे. अच्छा, बेसिकली कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल्स क्या है जो हमने पढ़ा? पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल्स ही हैं. हमने कहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो कंट्रोल्स बनाता है, पॉलिसीज वो भी एक कंट्रोल्स पैदा करता है, प्रोसीजर्स वो भी कंट्रोल पैदा करता है, प्रैक्टिसेस वो भी कंट्रोल पैदा करता है. तो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन होने चाहिए कि एक रीजनेबल एश्योरेंस, 100% एश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस हो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं, जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो, हम अचीव कर सकेंगे, और अनडिजायरेबल इवेंट्स या तो प्रिवेंट कर दी जाएंगी, सबसे प्रिवेंट करना सबसे सही बात है, या डिटेक्ट कर दी जाएंगी या करेक्ट कर दी जाएंगी. डिटेक्शन के बाद करेक्शन होता है. अगर कोई अनडिजायरेबल इवेंट, सबसे पहले तो प्रिवेंट कर दो उसे, नहीं तो डिटेक्ट और करो और करेक्ट करो. तो कहने का मतलब ये है, कंट्रोल्स का अगर आपको कहीं पर डिफाइन करना है तो कंट्रोल्स क्या है? सारे पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स में आते हैं बेसिकली. ये जो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर इनको हमने डिज़ाइन किया है ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट या ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जाएंगे और अनडिजायरेबल इवेंट नहीं होंगे, या तो नहीं होंगे, या तो प्रिवेंट किए जाएंगे, या डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, करेक्ट किए जाएंगे. तो यहाँ पर की चीज़ है कि रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कंट्रोल, 100% एश्योरेंस नहीं देते. रिस्क मिटिगेशन होता है, रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट नहीं होता है. कंट्रोल्स 100% रिस्क जीरो नहीं करते हैं, 100% प्रिवेंट नहीं करते, 100% जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक रीजनेबल लेवल होता है. 100% सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, 100% कंट्रोल्स कुछ नहीं होता है, केवल रीजनेबल कंट्रोल होता है. और एक्सेप्टेबल कंट्रोल्स, रीजनेबल कंट्रोल्स रीजनेबल या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंट्रोल्स होता है. और रीजनेबल और एक्सेप्टेबल लेवल में डिफरेंस हमने पढ़ लिया. तो एश्योरेंस 100% एश्योरेंस नहीं है ये. तो ये बेसिकली कंट्रोल्स होते हैं. तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल्स, और अभी हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन आईएस रिस्क और कंट्रोल्स, और हमने ये जाना कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क होता है, उसमें हमने जाना कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से हम एक्सेप्टेबल रिस्क या रेजिडुअल रिस्क डिटरमाइन करते हैं, और फिर एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को ले जाने की कोशिश करते हैं. रेजिडुअल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन या तो इग्नोर कर देता है, या ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो रीजनेबल लेवल तक नहीं, एक्सेप्टेबल लेवल तक हम रिस्क को ले जाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें कंट्रोल्स लगा देते हैं. और जो है, और जितने आईएस रिस्क जितना ज़्यादा होगा, कंट्रोल्स उतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. और रिस्क एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हो सकता, रिस्क मिटिगेशन हो सकता है, रिस्क एक लेवल तक कम किया जा सकता है. थैंक्स.